महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को धमकी और रिश्वत पेशकश मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी की रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी द्वारा जो मैसेजेस और वीडियो भेजे गए थे उसे डिलीट करने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की गई और इसमें राजनीतिक कनेक्शन की भी जाँच होनी है। सुनील सिंह की रिपोर्ट देखिए। अनीक्षा अनिल जयसिंघानी, जिसने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी से नजदीकी बनाने के लिए खुद को फैशन डिजाइनर बताया था, आज अदालत में उसके वकील ने दावा किया कि वो कानून की छात्रा है। इसके पहले अदालत में सरकारी वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता के पति पब्लिक सर्वेंट हैं, इसलिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 8 और 12 के तहत और IPC की धारा 120 और 385 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अनीक्षा ने अपने पिता को छुड़वाने के लिए पहले 1 करोड़ रिश्वत की पेशकश की थी, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया तब एक अज्ञात फोन नंबर से 22 वीडियो, 3 वॉइस नोट, कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलाकर कुल 40 मैसेज भेजे और उनको डिलीट करने के बदले 10 करोड़ रुपए की मांग की। सरकारी वकील ने यह भी बताया कि उसके पिता अनिल जयसिंघानी पर कुल 17 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 7 में वो फरार है। कोर्ट से भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसकी बेटी अनीक्षा ने जिस तरह से मामले में भूमिका निभाई और बर्ताव किया है, उससे यह साफ पता चलता है कि वो अपने पिता के संपर्क में है और उसे पता है कि वो कहां छिपा है। सरकारी वकील ने 7 दिन की पुलिस रिमांड की मांग करते हुए यह भी दावा किया कि मामले में राजनीतिक कनेक्शन की जांच करनी है। गौरतलब है कि गुरुवार को विधानसभा में बोलते समय खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि बातचीत के दौरान उसने कई पुलिस वाले और नेताओं के नाम लिए थे। इतनी सारी बातें रिकॉर्ड पर आई है, कई नेताओं के नाम आए हैं, कुछ अधिकारियों के नाम आए हैं और ऐसा मानना है कि शायद MBA की सरकार में अपनी केसेस वापस लेने के लिए इस कॉन्स्पिरसी की शुरुआत उन्होंने की थी और सरकार बदल गई तब उनके ध्यान में आया कि अब ब्लैकमेल करके हम अपनी केसेस वापस ले सकते हैं। रिमांड के लिए सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि आरोपी अनिल जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज 17 में से 13 मामले सेटल हो चुके हैं, बेटी का उन मामलों में नाम भी नहीं है। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं करने का आरोप भी लगाया। वकील ने आरोपी को कानून की छात्रा बताते हुए परीक्षा का हवाला देते हुए उसे कम से कम पुलिस हिरासत देने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अनीक्षा को 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मामले में अभी सिर्फ बेटी अनीक्षा गिरफ्तार है, लेकिन असली खिलाड़ी पिता अनिल जयसिंघानी अब भी फरार है। पुलिस के लिए उसे पकड़ना बड़ी चुनौती तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी है, क्योंकि जब भी वो पकड़ा जाएगा न जाने कितने नेताओं और पुलिस वालों के चेहरे बेनकाब होंगे। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।